जयती है। मैं गुरुदेव को नमन करता हूं, मैं आदर पूर्वक अंजलि कर देता हूं कि मेरा सौभाग्य रहा कि आज के ही पवित्र दिन गरीबों का जीवन बदलने वाली तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत 4 साल पहले हमने कोलकाता से ही की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना को देश भर में पश्चिम बंगाल की भूमि से ही लॉन्च किया। सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के कम प्रीमियम पर हमने गरीबों का बीमा उनको सुरक्षा कवच प्रदान किया। मुझे संतोष है कि गुरुदाव की जन्म जयंती पर जो काम प्रारंभ किया आज देश के 21 करोड़ गरीब इस सुरक्षा कवच से जुड़े हुए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं। ये सदा की चिंता कर रहा हूं और आप इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप जहां है आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जहां है वहां खड़े हो जाइए। देखिए औरों को भी परेशानी हो रही है। मैं जानता हूं बंगाल का ये दृश्य दिल्ली में बैठ करके मैं भी अनुमान नहीं लगा सकता जो जिस्सा आज है, जो प्यार आप पर चाहिए। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार सर झुका कर आपका नाम करता हूं। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, मुश्किल की स्थिति में जो हमने बीमा कवच दिया है, मुश्किल की स्थिति में जिन 21 करोड़ परिवार इससे जुड़े हैं, अब तक करीब करीब 3000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा क्लेम राशि इन मुसीबत में फंसे परिवारों को पहुंच गई। साथियों, गरीबों का जीवन आसान बनाने, उन्हें अपना पक्का घर मिले, घर में रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बिजली मिले, शौचालय मिले, वो सम्मान से जी सके, इसके लिए आपका ये सेवा लगातार काम कर रहा है। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने कहा था ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां मन मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो। लेकिन पहले कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने और बीबी ने गुरुदेव की शिक्षा को ही कर दिया, चूर चूर कर दिया। तक के लिए यहां के मानुष को सोचना पड़ता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रचार करने पर हत्या कर दी जाती है। जय श्री राम और जय मां काली, जय मां दुर्गा, इसके उद्घोष करने वालों को टीवी इतनी पहुंचना चाहती है जेब तक
शहीद हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनकी हत्या ये कभी बेकार नहीं जाएगी। भाई बहनों, पुरुलिया में संपदा की कमी नहीं है। आप हमारे सुनने पर बैठे हुए लेकिन अब तक जो भी सरकार नहीं है उन्होंने यहां पर कोई आम माफिया को खड़ा नहीं कर दिया है। तो माफिया को ही सरकार का हिस्सा बना दिया है। बंधु चौथम सुधु गुंडा माफिया और उर्दू प्रदेश का इधर जो कि राजनीति पूरा हुई तो कौन और आदिवासी चोरों जाति के उन्हों को सामने खाते हैं। पश्चिम बंगाल ईसाई हुए ऐसे थे इमाम होते साथियों अपने प्रतिनिधि का कैरियर बनाने में चूकी मंत्री विधायक घोटाले गपलों में बीजी है और कादर तोला पाजी ऐसे में पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र के युवा साथियों की चिंता भरा कैसे हो पाती रोड रेल हवाई जहाज के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने विशेष बल दिया लेकिन ये दुर्भाग्य है यहां के सरकार के कुशासन के कारण केंद्र की योजनाएं उस गति से यहां नहीं लागू हो पा रही है जिस गति से होनी चाहिए। बीबी के राज में लोगों को बीबी का पानी और किसान को सिंचाई का पानी तक उपलब्ध नहीं होना। आपके इस सेवक ने संकल्प लिया है कि 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तब पानी के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इसके लिए अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। साथियों, किसानों के लिए पशुपालकों के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी योजनाएं शुरू की। देश भर में 12 करोड़ छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए जा रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी तक पूरी लिस्ट भी नहीं भेजी। लेकिन क्या आप पूरी शक्ति से कमल खिलाएंगे तो फिर भी आप सरकार कुछ भी करने को नहीं चाहिए। हमने किया है कि 23 मई के बाद जब मोदी सरकार बनेगी आप सभी किसान परिवारों को ये मदद मिलने वाले हैं। पुरुलिया
Thank you.